Hi guys, this is Ankara from Junior Estate Channel. Don't mug up, try to build a personal and logical study. आज 25 दिसंबर है तो हैप्पी क्रिसमस डे टू ऑल. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करेंट अफेयर 25 दिसंबर का. तो आप देख सकते हैं जी, भारत पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है. भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है जी, तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस. कौन साइकिल से दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे तेज एशियाई बन गई है? तो देखिए, दुनिया की चक्कर लगाई है कौन जी, वेदांगी कुलकर्णी बन गई है. वेदांगी कुलकर्णी बन गई है आपको दुनिया की चक्कर लगाने वाली. बात की जाए तो ये भारतीय हैं और इसने क्या किया है, 29,000 किलोमीटर जो आपको 14 कंट्री का 159 दिन में चक्कर लगाया है जी. बात की जाए ब्रिटिश एडवेंचरस जेनी ग्राम का, तो उसने 114 दिन में क्या किया है जी, वर्ल्ड का चक्कर लगाया है. तो जेनी ग्राम को याद रखिएगा, वो आप ब्रिटिश एडवेंचर है और ये इंडियन एडवेंचर. तो यहाँ पे बस यही फ़र्क है, आप याद रखिएगा वेदांगी कुलकर्णी का. भारत ने 23 दिसंबर 2018 को अपनी परमाणु सक्षम लंबी दूरी की किस मिसाइल की सफलतापूर्वक परीक्षा किया है? तो 23 दिसंबर 2018 को परमाणु सक्षम लंबी दूरी वाला अग्नि 4 को किया है जी. अग्नि 4 का अगर पता किया जाए, अग्नि 4 का रेंज क्या है, तो क्या है जी, 4000 है. आप लोग हमेशा याद रखिएगा, अग्नि 3 का 3000, अग्नि 4 का 4000, अग्नि 5 का क्या है जी, 5000 रेंज है. और ये आपको उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से आपको क्या किया गया, लॉन्च किया गया था जी. चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग. कुछ उड़ीसा के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं जी. उड़ीसा के तट पे किया गया है और जी APJ अब्दुल कलाम है जी. आपको बात की जाए तो यहाँ पे ऑपरेशन ओलाइवा स्टार्ट किया गया है जी, आपको भारतीय नेवी द्वारा किया गया था. ओलिव टर्टल आपको कहाँ पाए जाते हैं जी, तो उड़ीसा में पाए जाते हैं. सौर जल निधि का लॉन्च कहाँ किया गया है, तो उड़ीसा में किया गया है जी. प्रारंभिक चेतावनी प्रसारण प्रणाली कहाँ किया गया है जी, तो उड़ीसा में किया गया है. महिलाओं को 33% रिजर्वेशन विधानसभा और संसद के तौर पे हुआ है जी. कहाँ पहली बार किया गया है, तो आपको उड़ीसा में ही किया गया है. जैव प्रौद्योगिकी की नीति 2018 में उड़ीसा में लॉन्च किया गया है. तो आप देख सकते हैं कि उड़ीसा के बारे में हमने इतना कुछ सीखा है. अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं जी. किस राज्य ने भीड़ हिंसा विधेयक 2018 का पारित किया जी, तो मणिपुर ने पारित किया है. मणिपुर की बात की जाए तो यहाँ इम्फाल क्या है जी, यहाँ का कैपिटल है. एन बीरन सिंह यहाँ CM है. नजमा हेपतुल्ला क्या है जी, नजमा हेपतुल्ला यहाँ पे गवर्नर है. और यहाँ पे आजीवन भीड़ हिंसा के विरोधी विधेयक में आपको आजीवन कारावास की व्यवस्था की गई है. यानी जो भी कल्प्रिट्स पाए जाएंगे उनको आजीवन कारावास दिया जाएगा और उनसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जी. बात की जाए तो यहाँ पे आपको मणिपुर में संगाई पर्यटन डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा स्टार्ट किया गया था जी. चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं. केंद्र सरकार की सहायता से भारत का पहला संगीत संग्रहालय किस स्थान पर स्थापित किया गया, तो कहाँ किया गया, तमिलनाडु में किया गया है जी. कहाँ किया गया, तमिलनाडु में. तमिलनाडु के बारे में देखिए, थिरुवैयारू जो जगह है, थिरुवैयारू वहाँ पर क्या किया गया जी, इसको स्टार्ट किया गया, पहला संगीत संग्रहालय है. बात की जाए चेन्नई यहाँ का कैपिटल है जी. के पलाना स्वामी यहाँ के CM हो गए. बनवारीलाल पुरोहित क्या हो गए जी, यहाँ के गवर्नर हो गए. तो इस क्वेश्चन से हमने इतना सीखा जी. चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं जी. आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो किसे चुना गया है, तो BPP राव को चुना गया है जी. ये आपको IAS अधिकारी हैं जो तेलंगाना में भी कुछ दिन तक काम किए हैं और इससे पहले उपाध्यक्ष भी थे, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष भी थे. तो BPP राव के बारे में हम लोग इतना कुछ जाने दें. और ये पहला आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने, इससे पहले उपाध्यक्ष भी थे जी. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. किस जगह को बुरुंडी की नई राजधानी घोषित की गई, बात गीतेगा को, किसको की गई है जी, गीतेगा को. तो बुरुंडी की पुरानी कैपिटल क्या नाम, ना क्या नाम है जी, तो बुजुम्बरा था. क्या था, बुजुम्बरा. और नया क्या हो गया, गीतेगा हो गया. निम्नलिखित पहलवानों में किसे राष्ट्रपति महाराष्ट्र
केसरी का खिताब दिया गया, किसे दिया गया थी, बल्लार रफीक सिख को दिया गया। महाराष्ट्र केसरी का किसे दिया गया है जी किताब, तो बल्लार रफीक सिख को दिया गया है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये क्या है जी, आपको 1961 में स्टार्ट हुआ था और ये आपको कुश्ती से रिलेटेड है जी। तो हम लोग यहाँ से महाराष्ट्र केसरी के बारे में डिस्कस किया है, तो थोड़ा हम लोग यहाँ पे मुंबई के बारे में जान लेते हैं जी। तो बात की जाए तो मुंबई में चौथी नीति आयोग विकास अनुसंधान वार्ता केंद्र आयोजित किया गया है जी, ठीक है। तो नीति आयोग द्वारा चौथी विकास अनुसंधान केंद्र की आयोजन की गई है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने महाराष्ट्र के दूसरे मेगा रिकॉर्ड फूड पार्क का उद्घाटन किया है। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम का दूसरा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया जी। खेलो इंडिया यूथ संस्करण का कौन सा जी, तो दूसरा स्टार्ट किया गया, कहाँ किया गया है जी, तो पुणे में किया गया, कहाँ किया गया है, तो पुणे में किया गया है जी। चलिए बात करते हैं देश का पहला उल्लू महोत्सव, भारतीय उल्लू महोत्सव पुणे में आयोजित किया गया था जी। भारतीय सीमा शुल्क संगठन 3 दिवसीय पॉलिसी कमीशन का 80वां सत्र कहाँ हुआ है, तो मुंबई में हुआ है जी। विस्फोटक जांच पर पहली राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन पुणे में किया गया है। विस्फोटक जांच पर पहली राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन पुणे में किया गया है। भारतीय नौसेना के तहत भारत का पहला गहन जलमग्न बचाव वाहन मुंबई में नौसेना के डॉक यार्ड में शामिल किया जाएगा जी। ये सब आप देखिए महाराष्ट्र के बारे में हम लोग इतना सब पढ़ रहे हैं जी। बात की जाए नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में 41,000 करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचे और आवास परियोजना का शुभारंभ किया। मुंबई में प्रीमियम बैडमिंटन लीग 2018 शुरू हुई है। तो हम लोग मुंबई के बारे में इतना कुछ सीखे जी। तो आप देख सकते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा उसके बारे में हम लोग याद कर लेंगे जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन 8 को डिस्कस करते हैं जी। तो आप देख सकते हैं बोला निम्नलिखित पहलवानों में से किसे महाराष्ट्र केसरी चुना गया है, तो हो गया, तो हमने मुंबई के बारे में भी डिस्कशन कर लिया। चलिए 9वें क्वेश्चन बढ़ते हैं। 23 दिसंबर 2018 को संयुक्त अरब अमीरात में फीफा वर्ल्ड कप विश्व कप 2018 किसने जीताया था, रियल मैड्रिड ने जीताया जी। इसने लगातार 3 बार जीता है और ये टोटल 4 बार जीत चुका है। तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप जो 2018 है इसको कहाँ हुआ है जी, तो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है जी और इसने रियल मैड्रिड ने जीता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किसे कार्यकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो बात की जाए तो अभी डोनाल्ड ट्रंप और जेम्स मैटिस जो वहाँ के क्या थे जी, कार्यकारी रक्षा मंत्री थे, यहाँ पे रक्षा मंत्री छूट गया जी, रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनके विवाद था जी अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मैटिस में। तो उन्होंने किसे नियुक्त किया है जी, तो पैट्रिक सनहन को किया है, कार्यकारी रक्षा सचिव हैं जी वहाँ के अमेरिका के। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल वाले जो क्वेश्चन था, विश्व में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए किस देश को अपना पहला संचार उपग्रह लॉन्च किया, तो किसने किया जी, तो चीन ने किया है। बहुत सारे लड़कों ने ये आंसर दिया था और मुझे आशा है कि आप लोग डेली इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। आज का सवाल है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 खिताब किसने जीता है, तो आप इसका नाम बताएंगे जी, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप इसका आंसर